आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मोबाइल से लैपटॉप में फोटो कैसे डालते हैं, मोबाइल से लैपटॉप में फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट पीडीएफ एमएस वर्ड की फाइल या फिर कोई भी फाइल आप कैसे भेज सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पूरा तरीका आज के इस एक वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। आप लोग मोबाइल से लैपटॉप में फोटो डालना चाहते हैं, वीडियो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को आएगा। क्योंकि अगर आप भगा भगा कर देखेंगे तो आपको मोबाइल से लैपटॉप में फोटो वीडियो ट्रांसफर करने का पूरा प्रॉपर तरीका जो है समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति और हमेशा की तरह राम जी टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हमें मोबाइल से लैपटॉप को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप जो है मोबाइल से लैपटॉप में फोटो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, बीच में ही अटक जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, ये मेरे पास क्या है, आप लोग को पता होगा ये यूएसबी टाइप सी केबल है और इधर जो है ये जो डाटा केबल है, मोबाइल में से ही निकाला है इसको, तो आपके पास भी जो चार्जर होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसबी टाइप सी है उसका जो है आपको यहाँ पर लगा देना है, अपने मोबाइल में चार्जिंग के लिए जो लगाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, ये जो दूसरा पोर्शन है मतलब जो हमारा मोबाइल फोन का दूसरा जो कनेक्शन का जो वायर है ये वाला, इसको नॉर्मली हमें कहाँ लगाना है, अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा लैपटॉप है और लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो है इसी को कहते हैं यूएसबी पोर्ट। तो बहुत ही इजिली हम इसको इसमें लगा देंगे ऐसे, ये देखिए बहुत इजीली लग जाएगा। जैसे मैंने लगाया तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है चार्ज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने इस ऑप्शन को स्लाइड किया ओपन किया तो यहाँ देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन आ रहा है, यूज यूएसबी फॉर फाइल ट्रांसफर, एंड्रॉयड ऑटो ट्रांसफर फोटोज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइल ट्रांसफर पर कर देना है। अगर हम यहाँ पर फाइल ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल से लैपटॉप में फोटो वीडियो मूवीज फाइल पीडीएफ या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपने मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और आपने देख लिया कि यहाँ पर जो मोबाइल की सेटिंग थी यानी कि ये जो हमारा यूएसबी फाइल ट्रांसफर इज ऑन टैब फॉर मोर शेयरिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है फाइल ट्रांसफर पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें अपने लैपटॉप में जाना है और डायरेक्टली ये जो मोबाइल का स्टोरेज है वो हमारे लैपटॉप में आ जाएगा, हम उधर से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, जो भी हमारे मोबाइल का जो फोटो है उसको तुरंत जो है अपने लैपटॉप में सेंड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो है लैपटॉप है मेरा आसूस कंपनी का, इसमें मुझे फोटो भेजना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप में जो डिस पीसी होता है यहाँ पर देख लीजिएगा सामने मिल जाएगा डिस पीसी, अगर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं विंडो 10 वाले में मिल जाता है, डिस पीसी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा और डिस पीसी नहीं हो तो फाइल टाइप करेंगे तो आ जाएगा। देखिए मैं अगर डिस पीसी के साथ अगर हटा दूं फाइल टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर भी आ जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी आप खोल देंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ। सो हमारे सामने यहाँ पर जो है इस तरीके का कुछ ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देखिए दिस पीसी का आइकॉन है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर जो है मेरा जो फोन है रेडमी नोट 10 लाइट इसका ऑप्शन मिल रहा है और इसी में हमें जाना है क्योंकि जो सभी मोबाइल की फाइल है उसी में होगी। तो मैं इस पर जाता हूँ, जाने के बाद इसको ओपन करता हूँ तो ये जो एंड्रॉयड स्टोरेज है ये जो है एसडी कार्ड है उसमें ये जो दिया गया है स्टोरेज है और ये इंटरनल शेयर स्टोरेज है जो कि मेरे मोबाइल फोन का है तो इसी में आता है। तो मैं इंटरनल शेयर स्टोरेज पे जाता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर हम जाएंगे DCIM वाले फोल्डर में। आप कोई और फोल्डर उसमें डालना चाहते हैं लैपटॉप में तो फोल्डर डाल सकते हैं। DCIM फोल्डर में जाते हैं और तो यहाँ पर देखिए कैमरा का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो भी फोटो हमारे फोन में होगा वो सभी जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। जो स्मार्टफोन है वो सबका डाटा यहाँ पर लोड हो रहा है, ये जब तक ये पूरा यहाँ तक होगा नहीं तब तक ये आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ देखिए ये दिख रहा है प्रोसेसिंग में है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये फोटो सब खुल गया है। अब मुझे मान लीजिए ये फोटो जो है भेजना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, इजिली मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा और लाकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा, हमारा जो फोटो है वो देखिए कॉपी हो गया और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका है, ठीक है। और मान एक और तरीका है इसमें जो है, मान लीजिए कि हमें पूरा यहाँ पर वीडियो कोई है भेजना है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे वीडियो फाइल कहाँ पर है, नीचे की साइड में वीडियो फाइल होती है तो नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वीडियो फाइल ये सब विड है वीडियो। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम इधर आएंगे और यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करिए। सो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है कॉपी वीडियो फाइल और यहाँ पर देखिए ये वीडियो फाइल आ चुकी है,
ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोग अपने मोबाइल से लैपटॉप में फोटो ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, मूवी ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्लीट तरीका बताया है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग मोबाइल से लैपटॉप में फोटो, वीडियो, सॉन्ग या फिर पीडीएफ फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना विदाउट एनी ऐप, यानी किसी बिना किसी ऐप के।